खड़े हो जाए, कोई साई वाल दा खड़े हो जाए, उड़ जाए। यार तुसी प्लीज नु बुलाओ, क्या नाम है आपका? नाम क्या आपका? कैसे हैं आप? क्या नाम है? गुलाम बास। गुलाम बास। गुलाम बास क्या कर रहे हो यहाँ पे? नशा। नशा कर लिया है? हाँ। कौन सा नशा करते हो? दरबार के बिल्कुल में मौजूद हूँ, जहाँ पे कब्रिस्तान है और बुल्ले शाह के दरबार के अंदर एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है, जिसका मकसद लोगों की हिफाजत करना है और दरबार की हिफाजत करना है, ताकि इसमें इस दरबार के अंदर किसी किस्म की कोई गलत एक्टिविटीज ना हो। हमें एक इत्तला के मुताबिक बताया गया कि इस कब्रिस्तान के अंदर नशा फरोख्त किया जाता है और नशा करने वालों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर मेरे हक में आप देखें तो यहाँ पर छोटे छोटे डेरे भी बनाए गए हैं जो कि कब्रिस्तानों के ऊपर हैं, और कब्रिस्तानों के अंदर एक और इत्तला के मुताबिक हमें यह भी पता चला है कि लोगों के साथ बदफेली भी की जाती है। अभी हम आगे चलेंगे और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे बैठने का मकसद क्या है और कौन कौन से लोग यहाँ पे नशा कर रहे हैं, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे और इस कब्रिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ हमने इंजेक्शन लगाया है। इंजेक्शन लगाया है? इंजेक्शन लगाया है जी। कितने लोग यहाँ पे रहते हो? इधर बहुत रोल लेते हैं, मरी मरी है, रहायश है इधर दरबार बाबा बुल्ले शाह के साथ। आपकी रिहायश, आपके वालदैन कहाँ पे रहते हैं? जैश बाड़का रोड गली नंबर 2। आप इधर क्या कर रहे हो? इधर हमें पराड़ी लेना आया तो इंजेक्शन लगाया इधर। इंजेक्शन लगाया जी। कहाँ पे लगाया? इधर बाँध। रखो नीचे, रख दो नीचे, रख दो इधर बाँध। ये बाजू पे इंजेक्शन लगाया जी। तो आप इधर बैठ के क्यों लगाते हैं कब्रिस्तान के अंदर? ये गलती कुदेगी, माफ़ी चाहता है इतना बंदे इधर। मुझे ये बताओ, कब्रिस्तान के अंदर वो लोग दफन हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, रात के टाइम अंधेरा होता है, जो समझदार बंदा है ना वो भी कब्रिस्तान आने से डरता है, आप लोग इधर ही सोते हैं, डर नहीं लगता? नहीं, इधर सोता ही नहीं, मैं घर जाके सोता हूँ, मैं 5 बजे घर चला जाता। चलो जरा, ये फ्लैक्सें किसने लगाई हैं? इन्होंने लगाई हैं, इन्होंने घर बनाया है। अस्सलाम। दो मिनट गल करनी, उठ के तेरा बैठो, फिर आसानी ना गल हो जाएगी। मैं किन्ने बच्चे ने? ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ 5। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਕਬਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਨੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਨਮਾ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਕਮਸਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵੀਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਮੀ ਦੀ ਕਬਰ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਨਾ ਦੇ ਪਾਸ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਸਭ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਬਸ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੀਵੀ ਹਯਾਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫੋਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ, ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ।
क्यों? वैसे ही मारता बस खत्म कर देता है अपने कार में। मैंने पता है कि मैंने बल सवेरे मौत आ जानी परसों आ जानी। मैं इस चीज़ सोची है सोची कि अपना अल्लाह कारण चलना पैसा छड़ना बस। खौफ नहीं आता इतनी रात रात में इतने रहते मैं इतने रहना रात में। वैसे ही कब्रस्तान सारी मैं करना वा सारे कब्रस्तान की सफाई आप करना अपने को पैसे लाना। अच्छा बुजुर्गो मैनु दसो क्योंकि रात नु कब्रस्तान दे अंदर सुनसान जगह है लोग वैसे नहीं आंदे रात नु के खौफ आंदा जदों तुसी कब्रस्तान डब्बियां सुट गए लोग है सुट गए यार वेखो सामने पिया ना वेखो किसे ने पराली सुट्टी किसे ने की कीता किसे ने की कीता ठीक है। अच्छा मैं कंबल भी मेरे को देखो ए भी नवा मेरे को ठीक ए भी नवा मैं कोई गंदी चीज अल्लाह दी मेहरबानी नाल नहीं तुसी फिर अगर इतने सफाई कर दे जिते ए गंद कितो आ गया गंद ए चेक ए कितो आ गया लोग अंदर वड़ जांदे सुते होने आ ऐ सुते होने ना लोग अंदर आके वड़ जांदे ने। अच्छा ठीक है ना इधर आके डब्बियां ले आके कागज चुगल वाले ਲੋਕ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਮਾਮੀ ਦੀ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਦਾ ਨੱਪਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮਸਤੋਂ ਮਿਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਗਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਉਹ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਈਏ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਪੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੱਗ ਛੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਸਿਗਰਟ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਕੇ ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਜੀ ਸਿਗਰਟ ਸਾਦਾ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਪੀਣਾ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਸਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜ਼ਰਪੁਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਖੜਾ ਓਏ ਕੌਣ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਕੋਈ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਉੜ ਜਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਚਲੋ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ ਥਾਣੇ ਥਾਣ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਕਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆਪਕਾ ਹੈ ਜ਼ਹੂਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜ਼ਹੂਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਧਰ ਇਹ ਝਾੜੂ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦਾ ਕਲਮੇ ਤੋਤਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਰਸ ਕਾ ਚਰਸ ਕਾ ਹਾਂਜੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲੇਤੇ ਹੋ ਇਧਰ ਹੀ ਬਾਜ਼ਰ ਦੇ ਸੇ पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास जब आप अब बुजुर्गों आप भी कह रहे थे कि मैं सिगरेट पीता हूँ और आप खाना छाना भी खाते हैं जहरी सी बात सिगरेट के पैसे कहाँ से आते कोई काम भी नहीं करते आप क्यों नहीं काम करता क्या काम करते मेरे मेरे को अपनी दुकाना ने मेरे को अपने मकान ने मेरे को हर चीज़ ही अल्लाह की रहमत है मेरे को आप कहाँ से पैसे लेते झाड़ू झाड़ू मारता क्या झाड़ू झाड़ू मारता है इधर नहीं आप तो झाड़ू लगाते हैं यहाँ पे पैसे कहाँ से आते हैं जो नशा करते हैं अंदर झाड़ू लगाता हूँ बाहर कलमे धोता हूँ मुझे ये बताओ कि आप यहाँ पे लेटे हुए हैं आप हमारे आने से पहले कभी किसी ने नहीं कहा कि आप यहाँ पे क्यों लेटे हैं ये महकमा औकाफ की जगह या कब्रस्तान है या किसी ने मना किया हो कर दे क्यों कर दे मुझे ये बताओ कब्रस्तान के अंदर नशा करना सही बात है नहीं फिर आप क्यों करते हैं नशा नहीं इधर तो बैठ के नहीं करते मैं कहाँ पे करते हैं कब्रस्तान के अंदर ही मैं दिखाऊँ अभी आज ही बाहर वहाँ पे मैं इंजेक्शन दिखाता हूँ कितने पड़े हुए हम तो लगाते नहीं नशा क्या नहीं लगाते टीका नहीं लगाते हम और क्या करते कौन सा नशा करते हो सिगरेट पीते हो सिगरेट पीते हो सिगरेट का नशा तो नहीं है बाजू दिखाओ अपने मैंने टीका तो बंद दिखाएं पाउडर पीते हैं पाउडर नहीं नहीं मैं ऐसा काम नहीं करना कोई नहीं आज हम विवाह आ जाएं आप मुझे ये बताओ कि ये बुजुर्ग कह रहे हैं कि मैं सफाई करता हूँ ये सफाई है इधर अम नहीं होते हैं ठीक है इधर सफाई नहीं होती है ठीक है जिन्हिया डब्बियाँ डुब्बियाँ पे सब इधर पन्नी लगाते हैं ठीक है मैं उसे बह गया यशन लाया था इधर आ गया ठीक है तुसी वाई कब से नशा कर रहे हो मैंने वो चले कोई ढाई तो तीन साल ढाई से तीन साल हो हाँ जी यशन ही लगाया आप कितने बहन भाई और नशे की क्या वजह है बस नशे का भाइयों ने लाइक करवाया दो तीन दफा बस अच्छा नहीं समझ लगी भैया दी हाले तक भाई कह रहे लाइक करवा ले मुझे ये बताओ इंजेक्शन जो लेके आते हो कहाँ से लेके आते हो ए डॉक्टर देते हैं इधर से आज तो आ रहा है छुट्टी है ऑर्डर है नाल वादू बिकदा पे लगे पार्किंग के अंदर सेल हो रहा है जे जे साथ ही है अच्छा कौन 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 बंदा है जो सेल कर रहा है भेजा आपको अच्छा ते दो बंदे उन्होंने बुए को फिरा रहे जो पार्किंग में बाहर लोग बैठे हैं वो यहाँ पे नशा सेल करते हैं हाँ जी अच्छा
वो देते हैं नशा। हाँ जी, पुलिस नहीं पूछती उनको? नहीं, प्लीज दशहरा ग्राउंड वाले। दशहरा ग्राउंड की बात? हाँ जी, मैं पार्किंग का पूछ रहा हूँ। दशहरा ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग नशा सेल करते हैं? हाँ जी। पुलिस ने कभी नहीं उनको रेड करके पकड़ा? नहीं, बावजूद वाड़ी फ्रीचे थे, पैसे ले गए छाड़ देंगे, पैसे ले गए छाड़ देंगे। अच्छा, उन्होंने पर्चे आया थे, 2 महीने रह गया, 1.5 किलो पुलिस वाले ने पाई थे, फिर 2 महीने बाद बाहर आ। आपके ये जो सर के ऊपर ये चोट लगी है, ये किस तरह से लगी है? ये नशे के साथ लगी है। किस तरह से? ये टीका लगाया थे, होश नहीं आया थे, उठे थे, बनी बची है। अच्छा, तो उसके बाद आ जाए, मुझे दिखाएं यहाँ जहाँ पे बैठ के आपने इंजेक्शन लगाते हैं, दूसरे लोग भी और आप भी आ जाए। मैं अभी उस कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जो इंसान की आखिरी रामगा है। कुछ डिब्बियाँ पड़ी हुई हैं, आग जलाई जा रही है, और ये 2 लोग यहाँ पे कब्रों के अंदर सो रहे थे। अभी मैं आप लोगों को दूसरी साइड पर लेके चलूँगा जहाँ पर लोग बैठ के इंजेक्शन लगाते हैं, और इंजेक्शन लगाने के बाद इसी कब्रिस्तान के अंदर मेरे सुनने में जो है वो ये भी है कि गलतकारियां भी की जाती हैं। ये नशेई जो लोग हैं ये एक दूसरे को नशा दे के या इस तरह के कुछ सीन होते हैं। लेकिन मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है जो कि नशा करता है, और उसने हमें सीधी बात बताई कि मैंने इंजेक्शन लगाया। अभी ये हमें उस जगह पर लेके चलेगा जहाँ पर इसने इंजेक्शन लगाया और दूसरे लोग बैठ के भी नशा करते हैं। आइए, इंजेक्शन लगाया आपने, मुझे ये बताओ कि एक इंजेक्शन जो है ये आप कितने का ख़रीदते हैं और कितने का लगता है? ठीक है, आगे हैं, एक मिनट ज़रा, वो बंदा एक और खड़ा है, उससे भी बात करेंगे। कैसे हैं आप, क्या नाम है? गुलाम बास। गुलाम बास? गुलाम बास क्या कर रहे हो यहाँ पे? नशा। नशा कर लिया? हाँ। कौन सा नशा करते हो? टीका। दिखाओ कहाँ पर है, रिहाइश कहाँ की है आपकी? हमारी? हाँ जी। खाने वाले की? खाने वाल की। इधर क्या कर रहे हो? इधर नशे के मारे आए हैं, क्या कर रहे हैं? कौन छोड़ के गया है यहाँ पे आप? आप खुद ही आए? हम खुद ही आए हो? हाँ। नशा क्यों करते हो, क्या वजह है नशा करने की? ये कानून रोके ना। कानून रोके? जी। खुद समझ नहीं, शादीशुदा हो? नहीं। शादीशुदा नहीं हो? कितने बहन भाई हो? 5। वो मना नहीं करते? करते हैं। फिर क्या वजह है? आदत नहीं छूटता। इलाज करवाया आपने? हाँ। इलाज करवाने के बाद भी नहीं सही हुआ? नहीं। मुझे ये बताओ कि आप इसी कब्रिस्तान के अंदर सोते हो? हाँ, इधर सो जाते हैं, बाहर सो जाते हैं, जहाँ दिल करे। मुझे ये बताओ, नशा करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कसूर शहर के अंदर कोई जगह नहीं मिली कि आप लोग कब्रिस्तान में बैठ के यार खुदा का खौफ करें कि ये इंसान की आखिरी राम गए जहाँ पे इंसान आगे उसकी सुकून की ज़िंदगी गुजरती है उसके माल के मुताबिक। तो मुझे ये बताओ कि आप इधर बैठ के नशा करते हो, जी खौफ नहीं आता? नहीं। क्या वजह, किस वजह से खौफ नहीं आता? इधर ही रहते हैं, किस चीज़ का खौफ? खौफ तो होना चाहिए पुलिस का, वो करती कुछ नहीं। पुलिस नहीं कुछ करती? दो चार सौ रुपया ले जाते हैं, कोई नशा होता है खो खो के ले जाते हैं, किसी मारे को दे देते हैं, जेडे काम उसको देते हैं। पुलिस को 5 रुपए का तेल पवा दे और राजी हो जाती है, चाह पिया दो पुलिस को राजी हो जाए, पुलिस बंद कराए दे हम नहीं पीते हैं। जी नादरीन, आपने यहाँ पे जो लोग थे उनकी भी बातें सुनी कि आप देख सकते हैं, कैमरामैन ने भी दिखाया कि यहाँ पे सिगरेट की खाली डिब्बियाँ, इंजेक्शन और काफ़ी इस तरह का मवाद पड़ा हुआ है कि कब्रिस्तान के अंदर कब्रिस्तान वो जगह है जो कि इंसान की आखिरी रामगा है। ये लोग बैठ के नशा करते हैं और कोई जगह नहीं इनको मिलती। पुलिस वालों को भी चाहिए, इस दरबार के अंदर हजरत बाबा बुल्ले शाह के हाथे में एक चौकी मौजूद है, पुलिस चौकी, उनका भी काम बनता है कि जो लोग यहाँ पे बैठ के नशा करते हैं खुदा का खौफ करें, उनको मना करें। आप लोग कब्रिस्तान के अंदर जो बैठे लोग हैं उनको खुले हम इजाजत दे रहे हैं, पर थाना 8 डिवीजन का ये इलाका है कि जहाँ पे सरेआम जो है वो नशा फरोख्त किया जाता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये लोग मंथली लेते हैं और मंथली लेने के बाद इनको सरेआम इजाजत देते हैं कि आप नशा सेल करें। अभी ये नौजवान बता रहा है कि बाहर जो पार्किंग है दशहरा ग्राउंड की, वहाँ पे नशा सेल होता है और सरेआम लोग जाते हैं और नशा जो है वो लेके आते हैं और यहाँ पे बैठ के करते हैं नशा। और कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है जो कि दिन रात यहाँ पे रहते हैं। मेरी तमाम आला अफसरानों से और जो हमारा मुतलका थाना है उनसे गुजारिश है कि खुदा का खौफ करें, खुदा ना खासा कल को आपके बच्चे भी इस बुरी आदत में मुबतला हो जाएँ तो फिर क्या आप लोगों के ऊपर गुजरेगी। जो नशा करने वाले लोग हैं उनको रोकें और नशे की रोकथाम को यकीनी बनाएँ ताकि किसी की बेटे की किसी की औलाद की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। इसके साथ ही अपने मेहरबान मेरा ली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV अलानी के बाद।